बच्चों से अपने हिंदी का पेपर के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप लोग बताओगे कि सबसे अच्छा इजी पोर्शन आपको कौन सा लगा, पेपर कैसा है आप लोगों का? पेपर तो अच्छा था लेकिन खंड सही था। पेपर हमारा पेपर सवाल था कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है? लोग इनको सबसे इजी सवाल लगा, इनका नाम क्या है? नाम नहीं, रोल नंबर सबसे इजी 477 बस। पेपर लेंथी और हमारे पर्रे पकड़े गए आज। ये आपका पेपर है, ये सिर्फ दो पेज का पेपर आया हिंदी का, ये हार्ड का पहुंचा था चार पेज का। सबसे इजी सेक्शन आपको कौन सा? ये वाला खड़ने की राइटिंग सेक्शन। दूसरा 2 घंटे बर्बाद कर दिया आपके, क्यों ऐसा क्यों भैया? बहुत ही लेंदी पेपर था, लेंदी था बहुत ज्यादा। हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं यहाँ पे विद्याश्रम के बाहर स्कूल में। बच्चों से जानते हैं कि हिंदी का पेपर कैसा हुआ है, एक बार जल्दी से बताइए आपका नाम क्या है? जूही परिणाम। जूही, जूही नाम है इनका। जूही पेपर कैसा हुआ आपका? बहुत अच्छा। हिंदी का पेपर कैसा आया था, टफ आया था, इजी आया था, या मैं कहूँगी मॉडरेट है? नॉर्मल कैसे थे? पत्र लेखन कहाँ से आया? एक तो हमें पार्सल भेजना था, उसके रिलेटेड आया था। ओके। और दूसरा था, बट हमने वो अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि वो था ना इंटरनल चॉइस। कितना स्कोर कर रहे हो? 32 above आ जाएगा। और आपके पेपर आज खत्म हो गए, कैसा लग रहा है? प्रेशर रिलीज हुआ प्लस आज बर्थडे है। अब आराम से अब 1 महीने रेस्ट करोगे, उसके बाद डिसाइड करोगे कौन सी स्ट्रीम लेनी है। दोस्तों, हम विद्याश्रम स्कूल से आ जाएंगे, आपकी कौन सी स्कूल है? MPS महेश्वर। कैसा हुआ आपका हिंदी का पेपर? बहुत इजी था, बहुत आसान आया। कितने स्कोर कर रहे हो? मेरे 40 ऑल। और कौन से सेक्शन में आपको सबसे ज्यादा तकलीफ हुई? तकलीफ मेरे सेक्शन मतलब 3 नंबर वाले क्वेश्चंस में हुई क्योंकि वो थोड़े लेंथी थे और थोड़े रीजनिंग बेस्ड थे। ओके। और आज कैसा प्रेशर फील कर रहे हो कि आज पेपर खत्म हो गया, कैसा लग रहा है? हमारा अभी एक बचा है, IT बचा है आपका, IT तो पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं। 24 को है ना IT? हाँ। अब आगे क्या सोचा है कि क्या करना है? अभी आगे तो कोई PCM या PCB या ऐसा कुछ? कॉमर्स मैथ्स जाओगे आप, अप्लाइड मैथ्स के साथ जा रहे हो, तो अभी थोड़ा तो रिलैक्स कर रहे होंगे कि मेन सब्जेक्ट खत्म हो गए, थोड़ा इजी हो गए होंगे। काफी टाइम से 27 से लगातार 27 से पढ़ाई कर रहे हो और तकरीबन 6 महीने से ही कर रहे हैं क्योंकि पहले भी मतलब 2 बोर्ड्स की ज्यादा गैप नहीं था और टीचर्स प्रीबोर्ड लेते थे, टीचर्स प्रीबोर्ड लेते थे, बहुत सारे प्रीबोर्ड भी आपने दिए। इस बार आपके टर्म 1 टर्म 2 भी हुआ तो काफी ज्यादा प्रेशर रहा होगा, राइट? तो आपको क्या लगता है कि जो हिंदी का पेपर है वो बाकी जो 4 सब्जेक्ट थे उसके कंपैरिजन में टफ है? इजी था। और बाकी अगर ओवरऑल 5 सब्जेक्ट के बारे में बात करूं तो आपको कैसा लगा इस बार CBSE का लेवल? इजी था, मुझे बस थोड़ा इंग्लिश का लेंथी लगा था, बाकी सब में मेरा ऑलमोस्ट सारे मैंने पेपर चेक कर लिए थे। अगर टर्म 1 और टर्म 2 को कंपेयर करूं तो आपको कौन सा टर्म सबसे ज्यादा टफ लगता है? मुझे टर्म 1 ज्यादा टफ लगता है। आपको लगता है सब्जेक्टिव सबसे आसान है? सब्जेक्टिव इजी था क्योंकि सब्जेक्टिव में अगर कोई ज्यादा समझ नहीं आया ना तो वैल्यू बेस्ड की तरह लिख सकते हैं। ओके, आपका नाम एक बार वापस बता दीजिए। आदित्य शर्मा। आदित्य, तो ये थे हमारे साथ आदित्य। और आज हम आ चुके हैं बच्चों से पूछने कि बच्चों आपका हिंदी का पेपर कैसा आया था? राइटिंग जो पोर्शन आया था उसमें आपका जो विज्ञापन आया था वो किस पे आया था? वोट पे। एक तो बेकरी पे आया था और बेकरी पे आया था, बेकरी पे आया था, और एक नव वर्ष पे आया था। मतलब पूरा पेपर इजी लगा आपको? आज हम आ चुके हैं बच्चों के साथ यहाँ पे, बच्चों से बात कर रहे हैं हिंदी का पेपर कैसा हुआ, ये बता रहे हैं बच्चे की हिंदी का पेपर तो इजी आया है लेकिन सबसे ज्यादा लेंथी आया बच्चों का पेपर। तो बच्चे बोलेंगे क्या बोलेंगे भाई? हम दोस्तों यहाँ पर हिंदी का रिव्यू ले रहे थे, आप लोगों से मिलते हैं आगे नए सेशन के अंदर जहाँ पर हम बात करेंगे जो 9th से 10th में गए और 10th से 11th में गए उनके लिए सारे कोर्सेज हम लॉन्च करने वाले हैं। तो मिलेंगे आपको ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए आइए बिल्कुल आज